तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो वीडियो है RRB LP टेक्नीशियन की, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोग वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी के विपरीत बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं ना, जो चाह रहे हैं कि RRB LP टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है थोड़ी सी लेट आए। ठीक है, क्या चाह रहे हैं कि वो थोड़ी सी लेट आए, है ना। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो रेलवे के विद्यार्थी है, दो भागों में बंटा हुआ है। एक चाह रहे कि जल्द से जल्द RRB LP टेक्नीशियन की वैकेंसी आए, ठीक है। और एक ऐसा भी ग्रुप है जो चाह रहे है कि आपका ये वैकेंसी थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है। तो डिले होने वाले में क्यों चाह रहे हैं ऐसा, तो मैं बता दूं आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, इसी बार आपका दो पिछले साल ITI किया है, ठीक है। पिछले साल ITI में नामांकन किया हुआ, जिसका आपका ITI कंप्लीट होने वाला अगस्त सितंबर में है ना। तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता है एक फरमान जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे के जो आका हैं, बेकार आका हैं, उनके तरफ से, क्योंकि अगली बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो ITI वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, मतलब ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और ज़्यादा सीट रहेगी, ठीक है। तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने 2022 में ITI कर रखा है। और आपको पता है RRB LP टेक्नीशियन में ITI वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, सीटें ज़्यादा होती है, क्योंकि ITI के पास ऐसा चुनाव होता है कि वो LP भी बन सकते हैं और टेक्नीशियन भी। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का ITI जो आपका अगस्त सितंबर में कंप्लीट होगा, तो वो सोच रहे कि अगस्त के बाद आए, क्योंकि LP के लिए वही फॉर्म भर सकते हैं जिनका ITI कंप्लीट हो। तो जैसा कि लोगों का अगर अगस्त या सितंबर में ITI कंप्लीट हो, तो वो सोच रहे कि सितंबर के बाद ही आए, ताकि वो ITI का फॉर्म भर सके, ताकि वो LP का फॉर्म भर सके और वो टेक्नीशियन और ड्राइवर LP की भर्ती का फ़ायदा उठा सके। तो इसी ग्रुप में बटा हुआ, और यही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आनी चाहिए, 5 साल से अभी तक आई नहीं है। तो इसमें दो तरह के लोगों के कमेंट आते हैं, एक कमेंट आते हैं कि भैया एकदम जल्दी से आनी चाहिए, है ना, और एक आती है कमेंट इसमें कि नहीं अभी थोड़ा सा डिले हो जाने दो, हमारा ITI कंप्लीट नहीं। और बहुत सारे लोगों का, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो भर भर के उसमें कमेंट आता है कि अभी मेरा ITI कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा लेट से आना चाहिए 24 से, बहुत लोग तो बोलते हैं 24 तक आनी चाहिए, है ना, लास्ट लास्ट दिसंबर तक। तो इस तरह मामला ये है। तो देखो दोनों पक्ष का अब क्या, आप ही कमेंट करके बताना कि देखो बहुत सारे लोग जिनका कंप्लीट है ITI, डिप्लोमा कंप्लीट है, तो उनका जायज है कि उनको वैकेंसी आनी चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं किया था टेक्निकल डिग्री इस बार, किया तो वो चाहेंगे कि, तो अब इस पे आपकी क्या राय है आप लोग इसके ऊपर कमेंट करके बताना। लेकिन बहुत ही जल्दी वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिले हो गया 5 साल से, क्योंकि यार बहुत सारे लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, यार उनका क्या होगा, उनका दर्द है ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो एक वीडियो आपको बता रहा हूँ, बनाता हूँ इसके ऊपर, कि क्योंकि दो ग्रुप में बटा हुआ, और जल्द ही मैं एक वीडियो लाना वाला हूँ LP के लिए, कि जो जो ट्रेड वाले हैं उनको किनको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, है ना, कि किनका कट ऑफ ज़्यादा क्या रहता है, कम रहता है, उसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बहुत ही अच्छी लाने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग जो जो अभी RRB LP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें जी जान से अभी से लग जाए, अभी से चीज़ों को प्रिपेयर करके स्टार्ट करें, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था, ताकि मैं, और आप ही लोग इस पर कमेंट करके बताना कि क्या आपकी राय है ना। और मैं तो एक वीडियो भी अनुरोध किया था खान सर से कि जल्द से जल्द वो कुछ, और सब, हाँ सबसे बड़ी बात, मैं सभी टीचर से, खान सर से वीडियो इसलिए बनाया था कि वो सबसे बड़े टीचर है, अगर वो कुछ बात बोलेगा वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि देखो तो बहुत सारे वैकेंसी पेंडिंग है यार, JEE है, RPF, तब तक ये सब भी वैकेंसी दे दो, है ना, तो वो कुछ अभी दे नहीं रहे। इसीलिए खान सर अगर इस बात को बोलेंगे तो बहुत सारे टीचर को इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारे टीचर लोग भी बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे कोई टीचर अभी आपके साथ नहीं आ रहे, इतने बड़े बड़े टीचर हैं, महान अनुभव टीचर हैं, है ना, क्या बोले उनके बारे में, बस वो कोर्स बेचने के समय दिखते हैं, अभी आएंगे क्लास करेंगे 2 मिनट का, हाँ ना, उनको SSC के कंट्रोवर्सी पे बोलना है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं SSC के कंट्रोवर्सी, रेलवे के ही टीचर SSC के कंट्रोवर्सी पे बोलेंगे, लेकिन रेलवे के स्टूडेंट के हक की बात नहीं करेंगे। तो ये टीचर आप दिखावा मत करो यार, लोगों को समझ में आता है हमें स्टूडेंट इतने बुड़बक नहीं है, ठीक है। और हाँ बता दूँ, आप लोग कोर्स के चक्कर में मत पढ़ना, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट इतना पड़ा है ना, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपका पड़ा हुआ, बस आपको थोड़ा सा फिल्टर करना, चीज़ों को बारीकी से समझना, और आप फ्री पढ़ सकते हो, फ्री करके क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद किया था 2018 में LP के लिए, कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, किसी टीचर से मैं पढ़ा भी नहीं था, ठीक है, खुद से मैंने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन फ्री कंटेंट का हेल्प लेकर के कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये कोर्स के चक्कर में उतना मत पढ़ना, ठीक है, बस इनका कोर्स बेचना है, आज एक कोर्स है कल एक कोर्स आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।